करना पड़ेगा, वो भी स्कूल में। लेकिन साहब आप यहाँ कैसे? वो हम भी अपने बेटे का एडमिशन कराने आए थे। अच्छा, बाबा भी यहीं पढ़ेंगे? बहुत अच्छा हो गया साहब, अब मेरा बेटा आपके बेटे के साथ पढ़ेगा तो कितना कुछ सीखेगा वो। ये सब तो छोड़, पहले मुझे ये बता कि यहाँ तेरे बच्चे का एडमिशन कैसे हुआ? यहाँ की फीस तो बहुत ज्यादा है ना। साहब वो तो भला हो प्रिंसिपल साहब का, उन्होंने मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखा और उनके पास एक रिजर्व सीट बची हुई थी, उन्होंने मेरे बच्चे को दे दी। कितना अच्छा हुआ ना साहब। हाँ हाँ ठीक है। सुनो, या तो इस स्कूल में उसका बेटा पढ़ेगा या मेरा बेटा, तुम ना कुछ भी करो मुझे नहीं पता। चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं चलते। सर, ये आपने स्कूल को क्या मजाक बनाया हुआ है? आप तो कहते हैं स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है गुड़गांव का, और ये सैनिटर स्कूल का, ये क्लास बनाई है आपने स्कूल की? अरे सिंघानिया साहब क्या हो गया, आप एक काम कीजिए, आप पहले बैठिए फिर मुझे बताइए क्या हुआ। क्या हुआ? वो जो आदमी बाहर गया ना अभी, रमेश, वो ड्राइवर है मेरा। अच्छा रमेश आपका ड्राइवर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छा है इसमें? अब हमारे ये दिन आ गए हैं क्या कि हमारा बच्चा एक ड्राइवर के बच्चे के साथ पढ़ेगा? अब कैसी बातें कर रहे हैं सिंघानिया साहब। पर सर आप तो ये बात कहा करते थे कि स्कूल में बहुत ऊंचे ऊंचे खानदान के और अच्छे खानदान के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं क्या देखूं, उस ड्राइवर की औकात है कि उसका बच्चा हमारे बच्चे के साथ पढ़े? आपने सोचा है कि हमारे बच्चे पे इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ सर, आपने एक बार भी नहीं सोचा उस ड्राइवर के बच्चे को एडमिशन देते हुए कि स्कूल की रेपुटेशन और स्टैंडर्ड के बारे में? सर अब हम डिसाइड कर लीजिए कि आप चाहते हैं आपके स्कूल में हम जैसे लोगों के बच्चे पढ़े या लो स्टैंडर्ड वाले लोगों के बच्चे। आप लोग एक मिनट रुकिए, वो जो बाहर भाई साहब अभी गए उनको बुलाइए। आपने बुलाया सर? हाँ बैठो जरा। रमेश तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम सिंघानिया साहब के यहाँ पे ड्राइवर हो। सर क्या हो सर, कुछ गलती हो गई क्या सर? नहीं गलती कोई नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों का मानना है और शायद अब मुझे भी यही लगता है कि कुछ लोग डिजर्व नहीं करते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ें, इसलिए मैं इनके बेटे का एडमिशन कैंसिल कर रहा हूँ। सर आप भी क्या बात कर रहे हैं? हमारे बेटे का एडमिशन कैंसिल? जी सिंघानिया साहब सही सुना आपने, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्कूल में ऐसा कोई भी बच्चा पढ़े जिसके पेरेंट्स की सोच आप जैसी हो। क्या कह रहे थे आप? हैसियत। सिंघानिया साहब भूलिए मत, एक स्कूल है और स्कूल को ना मंदिर का दर्जा दिया गया है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं भेदभाव करूँ? अरे शर्म कीजिए सिंघानिया साहब, और ये आप जैसे लोगों ने क्या लगा रखा है, अमीर गरीब अमीर गरीब। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, विद्या पर सबका बराबर का हक होता है, और अगर सब लोगों की सोच आज जैसी होती ना तो आज किसी रेहड़ी वाले रिक्शा वाले के बच्चे IAS IPS ऑफिसर नहीं बनते। और आप जैसे लोग तो चाहते ही है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहे और अमीर होता रहे। एक बात बताऊं आपको, हमारा देश हमेशा पिछड़ता रहा है भेदभाव की वजह से। पहले ये भेदभाव जाति के आधार पर हुआ करता था, और आजकल आप जैसे लोग ये भेदभाव अमीरी और गरीबी के आधार पर करते हैं। अगर आप जैसी सोच सबकी होती ना तो आज शायद मैं भी आपके सामने नहीं बैठा होता। जी क्योंकि मैं भी एक गरीब खानदान से ही आया हूँ, मेरे पिताजी भी ऑटो चलाया करते थे। वो तो उनकी मेहनत थी कि उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, और आज मैं इस काबिल बन पाया कि मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। अगर मेरे स्कूल के प्रिंसिपल भी आपकी तरह सोचते और मुझे एडमिशन नहीं देते तो शायद मैं भी आज ऑटो ही चला रहा होता। अरे नहीं नहीं सर, अगर ऐसी कोई बात है तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा लूंगा, आप बाबा को एडमिशन दे दीजिए। नहीं रमेश, तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है और तुम्हारा बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा। और सिंघानिया साहब आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, या तो आप अपनी सोच बदलिए या फिर आपको अपने बेटे का स्कूल बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्कूल में सब लोगों के बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे। आप जा सकते हैं।